नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार एक सवाल जो श्रद्धा के पिता पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, कब तक वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगते रहेंगे और आखिरकार कब तक उन्हें कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही मिलेगी, क्योंकि 4 महीने से ज्यादा वक्त इस केस को बीत चुका है। बीते 12 नवंबर साल 2022 को आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तारी के साथ श्रद्धा वालकर के केस सुर्खियों में आया था। श्रद्धा का निधन बीते 18 मई साल 2022 को हुआ था और 1 महीने बाद श्रद्धा के निधन को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिल पाया। आखिरकार कमी कहाँ है, आखिरकार चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 6629 पेज की चार्जशीट तैयार की है। आफताब के खिलाफ अमूमन सबूत है, गवाह है, फिर भी आखिरकार आफताब को कोर्ट सजा क्यों नहीं सुना रहा, ये सवाल लगातार श्रद्धा के पिता पूछ रहे हैं। और आखिरकार अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए, क्या श्रद्धा भी उन तमाम लड़कियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की तलाश में ही रह गई, चाहे वो जीते जी हो या फिर जिंदगी खत्म होने के बाद, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें बेटियों के साथ इस तरह की बर्बरता हुई, सारे सबूत होते हुए भी आरोपी को सजा नहीं मिल पाई, आखिरकार कब तक ये होता रहेगा। इन तमाम सवालों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।